चलिए आज बनाते हैं खीरे यानी कुकुम्बर की बहुत ही शानदार रेसिपी, जिसको बनाना बेहद आसान है। केवल एक सामान से 5 मिनट में बनने वाली ये रेसिपी हर किसी को पसंद आती है। गर्मी में आपने ये नहीं खाया तो क्या खाया, तो इसको ज़रूर ट्राई करें, बहुत पसंद आएगी आपको और 5 मिनट में बन भी जाती है। उससे पहले आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपना ऐसा ही सपोर्ट बना के रखें। चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो इसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 2 खीरे लिए हैं। अब 2 खीरे इसलिए लिए हैं क्योंकि मैंने यहाँ पे 2 पर्सन के हिसाब से ही बनाया है, ज़्यादा नहीं बनाया है। तो आपको खीरे को लेके अच्छे से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसके दोनों साइड से जो ऐसे कट करना है और कट करके थोड़ा सा निकालना है और आपको चेक करना है कि ये कड़वा है कि नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। उसके बाद हमको इसको छिलके के सहित ही कट करना है। छिलका हमें इसका रिमूव नहीं करना है। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये भी है कि इसके छिलके में सिलिका होता है जो कि आपकी हड्डियों को बहुत मजबूत करता है। तो हम एकदम हेल्दी तरीके से बनाएंगे इसको। तो आपको पता ही है कि खीरे के कितने हेल्थ बेनिफिट होते हैं। खीरे में ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, कैरोटीन होता है, आपको पता है विटामिन सी होता है, जो आपको ऑल टाइम आपकी जो इम्यूनिटी है उसको भी बूस्ट करता है। आपका पेट हर दिन सारा दिन ठंडा रखता है और सिलिका होने की वजह से इसकी इससे हड्डियाँ भी बहुत मजबूत होती हैं। तो बस हमें क्या करना है, एकदम छोटे छोटे पीसेस में इसको कट करना है, जैसे मैं काट रही हूँ वैसे। तो वैसे छिलके सही ज़रूर बनाएं, इसके बहुत ही बेनिफिट हैं। तो आप छिलके को रिमूव ना करें, तो आप सारे छिलकों को सही थी इसको हमें कट करना है। तो आप जितने पर्सन के हिसाब से बना रहे हैं ज़रूर बनाएं। सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है और मैं आपको दिखाती हूँ कितने छोटे छोटे आपको इसके टुकड़े करके रखने हैं। आप बड़े भी रख सकते हो, लेकिन मैंने इतने छोटे रख के बनाए हैं। बहुत ही जल्दी भी बन जाती है और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है इतने छोटे टुकड़ों से। तो सारा ऐसे काट के रख लेती हूँ और आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक कुकुम्बर काट के रख लिया है छोटे छोटे पीसेस में। उसके बाद थोड़े से स्पाइसेस लगेंगे जो कि मैंने आपको बताया है, जिसमें आपको यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर लगेगा, थोड़ा सा यहाँ पर धनिया पाउडर और ये है बहुत ही स्पेशल इन्ग्रीडियंट जो है मिल्क। तो बस मिल्क को हमें डालना है, इससे जो सब्ज़ी का टेस्ट है ना इतना एनहांस हो जाएगा, बिल्कुल रेस्टो में मिलने वाली सब्ज़ी का जो ग्रेवी का टेस्ट होता है ना आपको वैसा ही लगेगा खाने में। चलिए बना लेते हैं सिर्फ 5 मिनट बनने वाली ये सब्ज़ी। पैन में 1 टेबल स्पून ही ऑयल डाला है, उसमें 1 चम्मच जीरा डाल के इसको अच्छे से पहले हम क्रैकल्स होने देंगे। हेल्दी बना रहे हैं तो हमें सिर्फ थोड़े तेल में ही बनाना है, चाहे आप ज़्यादा सब्ज़ी भी बनाएं। और बस जैसे ही खीरा हमारा क्रैकल्स होता है तो हमें फ्लेम को लो करना है और खीरे को डालना है, क्योंकि खीरे में थोड़ा सा वाटर होता है ना तो ये आपके ऊपर आने लगेगा, इस चीज़ का आप ध्यान रखें। तो बस इसको डालकर फिर चाहे तो फ्लेम आप इसको मीडियम कर सकते हैं, इसको बस आप फ्लेम का ध्यान रखें। तो इसको अच्छे से चलाने के बाद हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे, जैसे हमें यहाँ पे थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा हल्दी ऐड करना है। तो नमक डालेंगे ना तो खीरा ना बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाते हैं। जब आप खीरे डालें तो नमक ज़रूर डालें, नहीं तो ये नीचे से लगने लगेगा। और जैसे ही आप नमक डाल दोगे तो सारा मॉइस्चर जितना भी रहता है ना इसमें खीरे में पानी वो सब रिलीज़ कर देगा। थोड़ा सा टर्मरिक पाउडर, इसको अच्छे से हम पहले चलाएंगे, चलाते चलाते हमें इसको अच्छे से कुक करना है। तो मैंने अपनी हर रेसिपी में ये बताया है कि मैं हर सब्ज़ी को रोस्ट बहुत अच्छे से करती हूँ। 2 से 3 बार रोस्ट करेंगे, उसके बाद इसको ढक के हमें अच्छे से कुक करना है। तो ऑलमोस्ट ये पक चुका है, बहुत ज़्यादा नहीं लेकिन 60-70% ये कुक हो चुका है। और उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, इस स्टेज में मिल्क ऐड कर देना है, जैसे हमारा जो बचा कुचा है वो भी पक जाएगा, थोड़ा बहुत जो बचा हुआ है। और आपको एकदम बहुत क्रंची है, एकदम ऐसा ही खाना है कच्चा तो आप रख सकते हैं, बट मैं थोड़ा इसको गला रही हूँ। इसको डालना है और हमें अच्छे से पहले कुक कर लेना है। तो आप बीच बीच में इसको चेक करते रहें और कि आपकी सब्ज़ी पक गई है कि नहीं। तो अभी मेरी ऑलमोस्ट 90% पक चुकी है सब्ज़ी, इससे ज़्यादा मैं नहीं पकाऊंगी। तो लास्ट में आपको थोड़ा सा ऐड करना है यहाँ पे टेस्ट को एनहांस करने के लिए हल्का सा रेड चिली पाउडर 1/2 टीस्पून। उसके बाद थोड़ा सा डालेंगे यहाँ पे धनिया पाउडर। बस आपकी सब्ज़ी देखते देखते बनके रेडी है। आपने इतनी ईजी सब्ज़ी तो कभी नहीं ट्राई की होगी, ये मेरी गारंटी है। तो एक बार आप इसको ट्राई करें, आपको सब्ज़ी बहुत पसंद आने वाली है। अब हाँ, यहाँ पर आपको सब्ज़ी ऐसे ग्रेवी वाली रखनी है तो आप इतनी रख सकते हैं, बट आपको थोड़ा ड्राई चाहिए तो आप बिल्कुल ड्राई कर सकते हैं।
मैं आज इसको ड्राई बना रही हूँ, तो बस इसको हम एक मिनट और पकाएंगे, उसके बाद आप देखेंगे आपकी जो सब्ज़ी है ना बनके रेडी हो जाएगी। थोड़ा सा पानी डाल देंगे, जो हमने लास्ट में स्पाइसेस ऐड किए थे ना वो भी अच्छे से पक जाएंगे और मसाला आपका जलेगा भी नहीं। अगर आपका ये मिल्क ड्राई होता है तो थोड़ा सा मैंने पानी ऐड कर दिया था, 2-3 चम्मच के लगभग पानी ऐड किया है, और बस इसको हम ढक देंगे। और ढक के हमें 1 मिनट ही पकाना है, ज़्यादा नहीं पकाना है, और क्योंकि जो थोड़ा बहुत वाटर है ना वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। अब आपको पसंद है तो आप इस तरीके से बना सकते हैं। मैंने वो ऑलमोस्ट ड्राई कर ली है, आप देख सकते हैं मेरी सब्ज़ी तो बन के रेडी है। बस लास्ट में आप धनिया की पत्ती देख सकते हैं, सब्ज़ी कितने अच्छे से गल गई है। मुझे ऐसी ही सब्ज़ी पसंद है, बट आपको थोड़ी क्रंची खानी है तो आप कच्चे में भी इसको उतार सकते हैं, ये लोग खाते हैं। लास्ट में कसूरी मेथी या धनिया की पत्ती डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे आपकी सब्ज़ी। और हाँ, ये जो खीरे की सब्ज़ी होती है ना, इसको गर्मा गर्म आप सर्व करोगे ना तो उसका अलग ही टेस्ट रहता है। तो गर्म गर्म चपाती के साथ गर्म गर्म ये खीरे की सब्ज़ी 5 मिनट में बना सकते हैं। जब खाना हो उसे 5 मिनट पहले बनाइए, और गर्मा गर्म रोटी के साथ आप इसको एंजॉय करिए। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही हेल्दी। हाँ, हेल्दी तो ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि थोड़े स्पाइसेस भी हैं, बट इतना कम तेल में बनाए तो आप उसको हेल्दी बोल भी सकते हैं। इस तरीके से जल्दी से जाकर ट्राई करें और आपको बेहद पसंद आने वाली है खीरे की समर वाली वह सब्ज़ी। समर में आप इस सब्ज़ी को ज़रूर बनाकर ट्राई करें, क्योंकि समर में आपको बॉडी को ठंडा रखना बहुत ज़रूरी भी होता है। तो आप सब्ज़ियाँ तो बनाते ही हैं, तो एक बार आप ये खीरे की भी सब्ज़ी ट्राई करें। खीरे तो गर्मियों में हर कोई लेकर आता है, तो आप इसको एक बार ट्राई करें और आप मेरे को बताएं कमेंट करके कि आपको ये सब्ज़ी कैसी लगी, और आपको और कौन कौन सी रेसिपी चाहिए तो मैं आपको उसको बना के दूँगी। आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही रेसिपी का मज़ा उठाने के लिए मेरे चैनल में बने रहें। मैं 1:30 PM पे हमेशा वीडियो अपलोड करती हूँ, तब तक के लिए बाय। Thanks for watching my video.